सड़क सुरक्षा माह का सोमवार को डीसी हमीरपुर देवश्वेता बनिक ने आगाज किया। इस अभियान के अंतर्गत जिला भर में लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा तथा यातायात नियमों का पालन करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। यह अभियान 18 जनवरी से 17 फरवरी तक जिला भर में चलाया जाएगा। डीसी हमीरपुर देवश्वेता बनिक ने कहा कि सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत लोगों को जागरूक करने के लिए एक महीने तक यह अभियान जिला में चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियां करवाई जाएगी। सड़क सुरक्षा माह जो है उसका पूरे देश में जो है वो मनाया जा रहा है और पूरे प्रदेश में भी मनाया जा रहा है। आज डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के मुख्यालय से हमने 18 जनवरी को इसका जो वाहन है अवेयरनेस वाहन उसको फ्लैग ऑफ किया है और ये 18 जनवरी से 17 फरवरी तक विभिन्न गतिविधियां जो हैं पूरे जिले में आयोजित की जाएंगी। आरटीओ हमीरपुर वीरेंद्र शर्मा ने कहा कि सड़क सुरक्षा महीने के अंतर्गत जिला भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित होंगी। विभिन्न वर्गों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। सड़क दुर्घटनाओं से देश भर में पिछले एक साल में 1.5 लाख के करीब लोगों की मौत हो गई है। अभियान के अंतर्गत आज 18 जनवरी से लेकर 17 फरवरी तक पूरा एक महीना जो है वो पूरे प्रदेश में जो सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा ये इसकी थीम है, इसके ऊपर जो है वो कार्यक्रम होंगे। सड़क सुरक्षा को लेके वैसे तो हर वर्ष एक सप्ताह विशेष रूप से इसी के लिए मनाया जाता है, पर अब एक माह का एक आधारभूत कार्यक्रम है जिसमें छोटी चीज़ों से लेके इवन गोष्ठियां तक का हम आयोजन करेंगे ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूक करें कि सड़क सुरक्षा कितनी आवश्यक है, क्योंकि इस कारण जो अभी भी जो नया डाटा आया है उसके मुताबिक 1.5 लाख लोगों की जो है इस वर्ष भी विभिन्न दुर्घटनाओं में अकस्मात मृत्यु हुई है। तो ये राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा मानव संपदा उसका भी एक नुकसान है और आर्थिक रूप से भी नुकसान है। सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि सड़क हादसे कम और मानव संपदा की हानि भी ना हो। इस अभियान के तहत मीडिया के संगोष्ठियों का आयोजित करने के साथ ही विभिन्न वर्गों को भी जागरूक करने के जागरूकता सेशन आयोजित होंगे। हमीरपुर से ब्यूरो प्रमुख सुरेंद्र कटोच की रिपोर्ट।